वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और अब चूंकि हम डिस्कशन करने वाले महंगाई के हवाले से, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, पेट्रोल जो है डेफिनेटली पेट्रोल से आगे चीजें बहुत सारी रिलेट करती है, पेट्रोल भी महंगा हो चुका है जनाब, 9.02 रुपए और हाई स्पीड जो डीजल है वो 13.22 रुपए फी लीटर महंगे करने की तजवीज़ दे दी गई है, जबकि हुकूमत की जानब से पेट्रोल 5 रुपए, डीजल 6 रुपए और मट्टी का तेल 3 रुपए महंगा कर दिया गया है। अब दोनों रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे, इमरान मलिक और सबगतुल्ला, दोनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इमरान मलिक साहब, सबसे पहले तो महंगाई जो है ना, आवाम पर एक बम गिर रहा है दोबारा से, और वो जो महंगाई का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। अर्मिला, बहुत शुक्रिया आपका। मकसद ये है अर्मिला कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, वो सूरत हाल ये है कि शहर जो पूरा मुल्क जो है वो बदलने का शिकार है, और पेट्रोल जो है एक तो पहले ही जो लोग हैं वो परेशान हैं काफ़ी ज़्यादा, और इसके साथ साथ जब पेट्रोल महंगा हो गया वो भी 5 रुपये, और ये जो माशी सूरत हाल है इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखें जो पेट्रोल है इसी से हर चीज़ पे जो है वो महंगी होती है, पेट्रोल की वजह से आपका जो आने जो सब्जियां हैं फल हैं उनका जो आने जाने का किराया होता है वो महंगा हो जाता है, जिससे सब्जियों और फल पे एक एक दो दो रुपए का इजाफा भी हो जाता है। पेट्रोल को पहले 93 था, अब 97 हो गया है। इसके साथ साथ अगर डॉलर की बात की जाए तो वो भी आपके सामने है, सुनने में आ रहा है कि 133 से डॉलर 150 तक जाएगा। पेट्रोल भी अभी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी आगे 110 से 115 तक जाएगा। अभी 70 रोज़ का गवर्नमेंट जो है, नई गवर्नमेंट, उसको अभी 70 रोज़ हुए हैं, मगर इन 70 दिनों में इतने ज़्यादा बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अच्छा, उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें, ये तो झेलना पड़ेगा, ये सब पुरानी गवर्नमेंट पैसे खा गई है, ये हो गया उनकी जो यानी कि इसका जितना भी इम्पैक्ट है वो गरीब आवाम पर जा रहा है, लोगों पर जा रहा है, परेशान है लोग। और जिसकी अगर 30,000 सैलरी है, वो पेट्रोल अगर बढ़ा रहे हैं तो उसकी सैलरी भी बढ़ानी चाहिए, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हो रही। मगर मकसद ये है कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा हर तरह से लोग जो है इस पर पिस रहे हैं, और जो महंगाई का जिन है वो बोतल से बाहर है ना। अच्छा, किसी से भी बात करें जी हमारे पास कोई जादू की छड़ी है कि हम इसको जिन को बोतल के अंदर डाल लेंगे तो ख़त्म हो जाएगी महंगाई, भाईजान आपने वादे किए हैं कौन से, मैंडेट लेकर आए हैं आप, मैंडेट अगर आप लेकर आए हैं तो लोगों की फिर बात तो सुने, मगर अब देखें जैसे गवर्नमेंट मिली है तभी उसी वक्त उनकी आंखें जो हैं वो माथे पे लग गई हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं है, महंगाई होनी है और महंगाई के लिए लोगों को आवाम को सहना पड़ेगा। इस वाले से सीनियर वजीर से जब हमारी बात हुई अब्दुलअलीम खान साहब से, तो उन्होंने कहा कि देखिए जो भी मनसूबा जात वो शुरू करके गए हैं उनको हम रोक नहीं सकते, उनके पास ऊपर इतनी सब्सिडाइज जो उन्होंने सब्सिडी रखी हुई थी वो हम नहीं छोड़े, मगर हमें वो मनसूबे मुकम्मल करने पड़ेंगे। 300 अरब रुपया जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ है और ख़जाना खाली है, सब कुछ लूट के चले गए हैं वो, और भाईजान सब कुछ लूट के चले गए तो वो 200 बंदों की टीम किधर है? वो अगर आप कह रहे थे जब आपने इलेक्शन में लोगों से वोट मांग रहे थे तो आप कह रहे थे कि हमारे पास मुआशी लिहाज से, इकोनॉमिकल लिहाज से हमारे पास 200 बंदों की टीम है जिसको हम साथ लगाएंगे, वो दिन रात एक करेंगे और लोगों को खुशखबरी आएंगी। ये कौन सी खुशखबरी है कि एक गवर्नमेंट को 70 रोज आए हुए हुए हैं, और सिपतुल्ला चौधरी साहब मेरा ख्याल ये दूसरी दफ़ा पेट्रोल बढ़ा है, ठीक है जी? जी बिल्कुल, इसमें तकरीबन जब से कैलेंडर ईयर शुरू हुआ ना 1 जनवरी 2018 से, मैंने एक रिपोर्ट भी दी थी कल रोजनामा दुनिया में शाया हुई है, 2001 जनवरी से लेके और 11वां महीना अब आज शुरू हुआ है, इसमें कोई 22 से 25% इजाफा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, जो कि रुपये में तकरीबन कुछ 16 से 18 रुपये का बनता है। अब जिस तरह इमरान मलिक साहब ने बताया भी कि 70 दिन हुकूमत को हुए हैं, लेकिन 70 दिनों में आवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई फिलहाल, बड़ी माजरत के साथ कोई अच्छी खबर नहीं आई। इससे पहले ये हुआ है कि 142% गैस बढ़ी, ठीक है, उसके बाद आपको चंद दिन बाद आपको खबर आ जाती है 300% फिक्स चार्जेस बढ़ गए गैस के ऊपर, ये टोटल मिला के तकरीबन 442% का इजाफा है गैस की कीमतों में, ठीक है ना, जो एक आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है जिससे लोगों के चूल्हे जलते हैं। उसके बाद आपकी बिजली जो है टॉप जो उसका सबसे ऊपर वाला स्लैब है वो 20 रुपये का हो गया, और उसके बाद 2 दिन पहले उसमें मजीद इजाफा देखने में आया 20 रुपये का, ठीक है, 20% इजाफा उसमें देखने में आया। अब कहानी ये सारी ना अर्मिला, ये पूरी एक स्टोरी है, स्टोरी ये है कि खजाना खाली है, ये पहले दिन से ये कह रहे हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो आसान जो इजी मनी है ना, जो इनको इनकम हो सकती है इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए हो सकती है, यूटिलिटीज़ पे टैक्स लगा के, ठीक है ना। यही असद उमर कहते रहे हैं कि हमें 47 में पेट्रोल मिलना चाहिए, जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बड़ी कम थी, जब $70 के करीब भी थी,
तब ये कहते थे कि 45-47 रुपए का यहाँ पे लीटर पेट्रोल बिकना चाहिए, इस पे बेतहाशा लेवीज हैं, ठीक है ना, इस पे इस तरह की टैक्सेशन की गई है कि आप बराह रास्त अगर चंद रुपए कीमत बढ़ जाए ना तो यानी कई करोड़ योमिया इसकी रोज की, कई करोड़ लीटर योमिया पेट्रोल की खपत है ना, तो चंद रुपए अगर बढ़ जाए तो अरबों रुपया रोजाना की बुनियाद पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये हुकूमत ने बड़े अरसे दराज से पिछली हुकूमतों का मैंने कंपेरिजन दिया और इस हुकूमत ने भी आके ये किया कि बड़ी आसानी से इन्होंने टैक्सेशन जो है ना कर दी है इस पर, जिसकी वजह से ये कीमतें ऊपर गई हैं और इनको माल जमा हो रहा है, ठीक है। सबसे बड़ी बात उनको ये है कि जी मुल्क चलाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। इसके अलावा मतलब साथ साथ IMF की भी शायद है जिनकी शायद पर यह सब्सिडी खत्म की जा रही है। अभी मैं अक्सर डॉलर्स का बता रहे थे, डॉलर्स को भी जो एक होशरुबा जम मिला है पिछले कई दिनों से, ये भी एक बड़ा बेपनाह क्राइसिस अपने अंदर लेके आया जिसकी वजह से बरामदी अशिया तमाम तर महंगी हो गई। हमारी बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान की मईशत है ना ये ऑयल बेस है, इससे दाल से लेके और आटे से लेके और सब्जी तक हर चीज़ इससे जुड़ी हुई है। बस आपने भी बताया कि ट्रांसपोर्टेशन यानी जाहिर है कि अल्टीमेटली बढ़ जाएगी, आपके पेट्रोल बढ़ गया तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ गई। अब ट्रांसपोर्टेशन के अलावा भी आपकी जितनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है आपके पास पानी नहीं है नहरों में, ठीक है ना, आपके इस वक्त डैमों में इन्होंने जो चश्माही नहरें जिन्हें कहते हैं वो भी बंद कर दी हैं क्योंकि शराबी सीजन के दौरान डैम ये फिल नहीं कर सके थे। अच्छा, अब गंदम के लिए पानी नहीं है इनके पास, गंदम के लिए क्या चाहिए, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल को किससे चलना है, डीजल से। डीजल महंगा हो गया तो कनक महंगी होगी ना, बिल्कुल ये इस तरह के सारा ये रिलेट तो डेफिनेटली यानी कि अर्मिला प्लानिंग नहीं है। ये कौन से वो 200 बंदों की बार बार जो सो कहते रहे कि जी हमारे पास इकोनॉमिक माशियात को बेहतर करने के लिए 200 बंदों की टीम है, मगर अभी तक वो 200 बंदे तो हमें नजर नहीं आए। मुल्क जो है वो इस वक्त देख लें किस किस डगर पे चल रहा है। और देखें आप अगर कोई अपना घर लेते हैं तो उस घर के पैसे पहले कोई प्लानिंग करते हैं कि हमने इस घर में एक प्लाट लिया, इस घर को किस तरह से बनाना है, हमारा बजट क्या होगा, हमने इस घर में किस तरह से चलना है, वाइट कॉलर बन के चलना है या बहुत ज्यादा याशी करनी है, क्या कैसे किस तरह से चलना है। हम इस गवर्नमेंट में आए हैं, हमें हम खुद पीसने की बजाय अवाम को इतना पीस रहे हैं। अभी पीछे भी वजीर अजम साहब ने तकरीर की है कि जी मैंने एक दिन की छुट्टी नहीं की। भाई जान आपने एक दिन की छुट्टी नहीं की तो मगर इस ये तो देखे ना कि 70 रोज में अवाम के साथ क्या हो रहा है और क्या सूरत हाल इस वक्त चल रही है। ठीक है आप एक अच्छा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश होना, आपकी स्पिरिट होना वो एक अलग बात है, सारा लेकिन कुछ और चीज है, आप में इतनी काबिलियत है कि नहीं। असद उमर का वही चल रहा था ना कि इन्होंने जिस तरह बंदा कुछ झूठ बोल के CV दे के उसमें CV में कुछ चीजें ऐड करके जॉब अप्लाई कर दे तो हादसाती तौर पे उसको नौकरी मिल भी जाए तो बाद में वो फिर सर पकड़ लेता कि ये टैलेंट मुझ में था ही नहीं। देखिए इनके साथ भी यही मतलब वाला मामला हुआ है कि इन्होंने एक पूरा प्लान दिया हुआ था, जिस तरह आप बता रहे हैं इन्होंने पूरा एक प्लान दिया था कि हम ये रिफॉर्म्स करेंगे, यहाँ यहाँ पे ग्रे एरियाज हैं, पूरा ये सबको पता था। और वही कल भी एक रिपोर्टर बात कर रहे थे कि जब PTI की गवर्नमेंट आनी थी तो सबसे पहले सबको आइडिया था कि गवर्नमेंट में आने वाले और शोर भी ऐसे एक हवा चल गई थी, हवा चल गई, एक जनरल पब्लिक परसेप्शन यही था कि PTI की गवर्नमेंट आएगी, वजीर आजम भी हमारे यही होंगे, मिनिस्ट्रीज भी पहले से ऑलरेडी डिवाइड हो चुकी थी, लेकिन जो प्रॉपर होमवर्क है वो नहीं किया गया। अच्छा ये देखिए इस गवर्नमेंट में ये एक चीज देखने वाली कि हर काम पे U-turn, हर काम पे U-turn। भाई U-turn तो कर रहे हैं मगर इस पेट्रोल के जो कीमतें बढ़ाई हैं इस पे भी U-turn ले लें, वापस ले लें। अच्छा और इस पे जो डेवलपमेंट है अब इसके साथ जो बुरी खबरें मजीद आ रही हैं उसमें ये है कि सुबह सुबह बुरी खबरें, बस जाहिर है कि इसमें अभी वो मल्टीनेशनल कंपनियों ने कह दिया कि 5 नवंबर से हम दोबारा से जो है ना लिस्टिंग करेंगे अपनी प्राइस लिस्ट। आज के दिन की ये खबर आज लेटेस्ट ये है कि उसमें कुछ दूध चीनी जैसी चीजों में भी 5-3 रुपए का इजाफा होगा। ठीक है अच्छा ये इस नाम पे है कि जी पेट्रोल महंगा हो गया और लोगों को जाहिर है प्राइस मैकेनिज्म का ही आइडिया नहीं। अगर महंगा भी हो गया तो इसका इम्पैक्ट 15 दिन बाद 1 महीने बाद आता होता है, मतलब अगर मल्टीनेशनल जाहिर है इनके स्टॉक्स जो है वो प्रोसेस हो चुके हैं वो फैक्ट्रियों से पुराने रेटों पर, वो अगर कल से इम्प्लीमेंट हुआ है तो आज से उन्होंने कीमतें बढ़ा दी। बिल्कुल ऐसे उसके लिए भी लोगों के जाहिर ट्रांसपोर्ट वालों का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आपके किधर है जो देखेंगे ग्राम फरोशी को रोकेंगे, ओवरऑल पूरे सिस्टम में ही फ्लॉज मौजूद है। अच्छा खजाना खाली है, ठीक है वो अभी चूंकि जो क्रिटिक्स हैं वो सारे यही कहते हैं कि जब कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो पिछली गवर्नमेंट पे इसी तरह से कहती है कि खजाना खाली है, बट एक एंड अब मुझे लगता है या हम जैसे तबसरे भी सुनते हैं जो सीनियर हमारे, स्ट्रैटेजी बेसिकली दिस इज नॉट द स्ट्रैटेजी दैट शुड बी गेट इम्प्लीमेंटेड ओवर दिस पास्ट फ्यू ईयर्स, के ये सारी जो स्ट्रैटेजीज हैं ये कुछ टाइम के बाद बदलनी चाहिए थी
और अभी से अगर आप महंगाई डायरेक्टली किसी के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं तो उसके बाद फिर वो कैसे करेंगे? बात तो वही आ जाती है, स्ट्रेटेजी आपने खुद ही बात कर दी, प्लानिंग नहीं है। exactly. एक चीज कोई भी होती है उसके पहले प्लानिंग होती है। स्लो प्रोसीजर आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक को कन्विंस yes. करते हैं। आपने इतने महाज खोल दिए, आपने सियासी महाज खोल दिए, असेंबली के आगे धरना हो रहा है, असेंबली के बाहर धरना हो रहा है। इमरान मलिक और शिजादुल्लाह, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी पब्लिक जो है ना ज्यादा नाराज महंगाई से होती है। इसमें जो स्ट्रेटेजी की बात है ना, मैं आपको बड़े होशरुबा कुछ दादोशुमार बता दूं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आपकी 21-22 करोड़ पॉपुलेशन है ना, उसमें हाँ। जो टैक्स पेयर है ना ये 16 लाख है। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस पे ना, आज अच्छा, ये 16 लाख इसमें टैक्स पेयर है। अच्छा, ये कोई पॉइंट मतलब 2-3% बनता है पूरी टोटल पॉपुलेशन का, लोग टैक्स नहीं दे रहे। इस पे ये है कि जो अमीर लोगों से हुकूमत टैक्स लेने में बुरी तरह नाकाम हुई है, ठीक है ना। इन्होंने प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शनों पर भी टैक्स आयद करने की कोशिश की। FBI ने एक BTB बनाया था, ब्रॉडनिंग टैक्स बेस, ठीक है ना। उसमें इन्होंने कोई तकरीबन लाखों लोगों को, जिनके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ रहे थे, जो पोश इलाकों में रह रहे थे, जिनकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग थी साल में 2-3 दफ़ा, इस तरह की लैविश जिनकी स्पेंडिंग थी, उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उनको नोटिसेस भेजे। लेकिन उनमें से मेरा ख्याल 8 लाख नोटिसेस गए, 300 का एक नोटिस था। और चीफ कमिश्नर FBI ने मैं खुद बताया कि जी उसके उसमें से चंद सौ का भी रिप्लाई नहीं आया, ठीक है साहब। और हमारा 81 लाख कहते कागज उस पे गया, यानी कौम देखे ना खजाना इसीलिए खाली है, ठीक है साहब। ये देखिए आदत किसने डाली टैक्स ना लेने की, पहले ये मुझे बताया टैक्स ना लेने की, ना लेने की आदत किसने डाली? वो इनकम टैक्स के जो लोग हैं वो अपनी रिटर्न क्या कायम कर सकते हैं? ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन बच्चे बड़े स्कूलों में जाएंगे तो वो फिर कहेंगे की ये बस हमारे ही चलता रहे। ये वो अगर चाहे अगर चाहें तो रिटर्न ही कायम हो सकती है। जिम्मेदारी है, लेकिन एज ए नेशन एज ए सिटीजन हमारी भी जिम्मेदारी है। मगर मकसद ये है कि पता देखे अर्मिला, हर बंदा कहता है मैं बचा रहा हूँ, जब तक बचा हूँ बचा रहा हूँ। जिन्होंने कवानीन बनाया है, इनकम टैक्स के जिन्होंने कवानीन बनाया है, वही लोगों को इसके चोर रस्ते भी बता देंगे। आप ऐसे अब देखिए बिजली आपके सामने है, गैस आपके सामने है, किस तरह से थेफ्ट हो रहा है। पहला छापा बजा, एक बंदे ने मीटर लगाया हुआ है, पीछे 200 घर उस मीटर से गैस ले रहे हैं। और लाइनें जो हैं, और माफ कीजिएगा, साबका गवर्नमेंट नॉन लीग का ही बंदा था, बहुत मशहूर, इलेक्शन भी लड़ा और उसके खिलाफ पर्चा भी हो चुका है ठोकर। अच्छा, मतलब एक घर में मीटर लगा हुआ है और 200 घर पीछे गैस ले रहे हैं, उससे ले रहे हैं, उससे ले रहे हैं। बिल वो ले रहे हैं, घर उसके मीटर लगा हुआ है और अंदर उसने कुछ छोटा सा वो लगाया हुआ है जैमर कि हाँ। जब गैस जो पीछे जा रही है वो उसके, क्योंकि टेक्निकल जो वो ही बता हाँ। रहे चोर रस्ते वो ही बताते हैं सारे। अब देखें कि वो 200 घर तो बिजली के गैस के पैसे देते रहे ना उसको हाँ। अब कैसे फिर अमीर हो जाता बंदा? इसी तरह अमीर होता है ना, किस तरह जमीनें आ जाती हैं, घर आ जाते हैं, इसी तरह ही आते पहले साइकिल पे घूमो, बाद में घर अरबों की अपनी आंखों से देखा कौन कौन क्या क्या। मगर हमें इस चीज में जाने की, इसलिए कि देखिए एक चीज माशरे में तब भी ठीक हो सकती है जब स्ट्रेटजी असल में ना सिस्टम को देखना। आप जिन ममालिक में सिस्टम बनाई, यूटिलिटी सारे मुल्कों में, जाहिर इंग्लैंड में, अमेरिका में गैस बिजली सबकी, मतलब कभी लोड शेडिंग का तसव्वुर नहीं है, उसमें लीकेज कोई नहीं है, क्योंकि आप सिस्टम को ब्रीच नहीं कर सकते। सिस्टम आपका यहाँ पे इतना कमजोर है इदारों का कि उसे ब्रीच कोई भी कर सकता है बड़ी आसानी से। आप छोटे किसी ग्रेड मतलब 8-9 के बंदे जो फील्ड में घूमता है उससे मिली भगत करें और चोरी करते हैं, मकसद वही है, ठीक है ना। एक बंदा जो है ना बिजली ये नहीं बना रही है हुकूमत, सर्कल डेट आपका 1100 रुपए गया हुआ है, और जो मीटर रीडर है वो आपको जो हुकूमत 15 रुपए में बिजली बना रही है वो 5 रुपए में आगे बेच रहा है, चादरें फैला रही है। अच्छा ये जो करप्शन है या जो चोरी है ना, ये इनिशियल लेवल पे बहुत छोटे लेवल से शुरू। आपने लफ्ज सही बोला करप्शन, मगर करप्शन पाकिस्तान में हम बड़े आराम से बोल देते हैं, हम अरबों से कम की तो करप्शन समझते ही नहीं ना हम yes. ये हजारों की करप्शन ही हजारों की करप्शन नहीं है, हम कहते हैं ये तो बस हमारा हक क्या छोटा मोटा आ गया। जब पकड़े बिना मीटर रीडर को तो कहते हैं ऐसे हम तो बाड़े से हैं, ऊपर वालों को पढ़ाऊंगा। अर्मिला ये ना ख्वाहिश पे का इजहार होता है हर बंदे की, ये डिपेंड करता है कि जी मेरी इतनी ख्वाहिश है, मैं ये चाहता हूँ, मैं इस तरह करना चाहता हूँ। मगर अर्मिला मकसद ये कहने का है कि जब तक हम अपने मुल्क से सिंसियर नहीं होंगे तब तक मामला नहीं चलेंगे, तब तक मामला ठीक नहीं होंगे। और हम अपने मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं, बेहद ज्यादती कर रहे हैं कि हर चीज में पाकिस्तान में किसी एक बंदे की लाइफ भी देख लेना तो उससे पूछनी भाई आपने कितना टैक्स दिया पता नहीं है। भाई साहब इस पे यकीन करें, मैं आप अगर 1900 आपके पास लाइब्रेरी के मिले और आप 1960 के अखबार निकाल के देखना तो उसमें भी आपको 6 सुर्खियां ये नजर आएंगी कि पेट्रोल और
बिजली महंगी हो गई, महंगाई हो गई। किसी गवर्नमेंट के पास कोई ज्यादा कोई होता है कि अयूब खान का, आपको पता है अयूब खान के नारे लग गए थे चीनी महंगी होने पे, चीनी महंगी। हां जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भुट्टो का भी वो नारा बन गया था कि भुट्टो आवे बदो बदी आटा लबे कदी कदी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, इस तरह का वो गाना बकायदा बन गया था। बात ही है कि ये अच्छा था, अच्छा अच्छा अच्छा, होममेड था लोग बना लेते थे। असल बात और मिला, एक जो बात है ना, महंगाई शुरू से है। महंगाई क्या है कि ये गिलास मलिक साहब खरीद सकते हैं, मैं नहीं खरीद सकता, तो मेरे लिए महंगा है ना। बिल्कुल लोगों की बाइंग पावर में इन्होंने इजाफा नहीं किया, ठीक है ना। लोगों नई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई, नया रोजगार पैदा नहीं हुआ। हर साल आपका 10-12 लाख बंदा जॉब मार्केट में आ रहा है, उनके लिए रोजगार नहीं है, ठीक है ना। लोगों की बाइंग पावर, उनकी कुव्वत खरीद बढ़ेगी तो जाहिर है कि वो पेट्रोल खरीद लेंगे, 100 का भी खरीद लेंगे। फिर बाइंग पावर बेसिकली कम हो रही है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो आप कहते हैं, जिस तरह भी हम पहले बात कर रहे थे कि जो करप्शन या हेरा फेरी है वो बहुत छोटे लेवल पे शुरू। देखिए मिला, कॉस्मेटिक्स की जो है उसमें भी काफी ज्यादा महंगाई हुई है, कपड़ों के हर तरह की महंगाई हुई है। और आपस की बात है, जो आदमी एक दिन में फर्ज करे एक महीने बाद एक आधा सूट भी लेता है तो उसको पता नहीं होता ये सूट कितना महंगा हो गया। चले हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वापस दोनों रिपोर्टर्स मौजूद हैं, न्यूज स्टोरीज और भी है जिन पर डिस्कशन करेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।